बोध गया कि विभिन्न स्थानों में धूमधाम से फहराया गया तिरंगा, सोशल डिस्टेंसिंग में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। बोध गया कि विभिन्न स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। बोध गया प्रमुख गुड़िया देवी द्वारा ब्लॉक परिसर में तिरंगा फहराकर झंडा तोलन किया गया। बोध गया प्रखंड पदाधिकारी सतीश कुमार, अंचलाधिकारी कुणाल कश्यप, उप प्रमुख कुमारी सुषमा यादव के साथ साथ बोध गया के गणमान्य लोग मौजूद थे। नगर पंचायत अध्यक्षा ने सोशल डिस्टेंसिंग में फहराया तिरंगा। बोधगया नगर पंचायत ऑफिस परिसर में नगर पंचायत अध्यक्षा बेलवंती देवी द्वारा झंडा तोलन किया गया। वहीं नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोरमा देवी द्वारा बोधगया गांधी चौक के पास तिरंगा फहराकर झंडा तोलन किया गया। मौके पर बोधगया वीडियो सतीश कुमार, अंचलाधिकारी कुणाल कश्यप, उपाध्यक्ष मनोरमा देवी, वार्ड पार्षद मनोज साहु, सुमीरा गुप्ता, समाज सेवी संजय यादव, पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश सिंह के साथ साथ बोध गया के गणमान्य लोग मौजूद थे। हमारा भारत देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे हमें हर तरह की आज़ादी, हर तरह के मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त हैं, और उनको सरकार जो है ये अभी की जो सरकार है उसको प्रोटेक्ट करने में, पब्लिक को आम सुविधा देने में और उसको हमारी स्वतंत्रता का हनन ना हो उसके लिए हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका सारे का ये एक सामंजस्य अच्छा है कि हमारा देश जो है मतलब एक आगे की ओर अग्रसर हो रहा है और उसमें देश विदेश में हमारा नाम हो रहा है। साथ ही इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने देश के तमाम लोगों को, अपने राज्य के तमाम लोगों को, अपने ज़िले के, अपने प्रखंड के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके जीवन के मंगल कामना करता हूँ। साथ ही कोरोना महामारी में जो भी कुछ अगर जिनके साथ में कोई घटना घटी है उनको भी एक तरह से श्रद्धांजलि भी देता हूँ और आगे सचेत रहने की उम्मीद करता हूँ। और हमारी अपील है लोगों से कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हर तरह का वो जो सरकारी स्तर से आपको बताया गया है उनका पालन करें, नियमों का, और सब तरह का वो टीके जरूर लगवाएं ताकि आप जो है मतलब सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सबल बन पाएगा। शुभ अवसर पर सबसे पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी जो देश के आन बान शान और देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किए उसे मैं बोध गया कि आवाम की तरह से सहृदय सलाम करता हूँ, सैल्यूट देता हूँ। साथ ही 75वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम बोध गया वासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।